भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसमें सरकार के प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ समाज का भी उतना ही सक्रिय सहभाग था। भूकंप बाढ़ के पश्चात वहां जाकर सेवा करना अलग है, परंतु कोरोना जैसे महामारी जो इन्फेक्शस है, हम सेवा करने जाएंगे तो हमको भी इन्फेक्शन होने की संभावना है। यह जानते हुए भी संघ के स्वयंसेवकों ने खूब बड़ी मात्रा में इसमें सेवा कार्य किया है। देश भर में अगर देखेंगे तो सेवा भारती के माध्यम से 92,656 इतने कार्यकर्ता, इतने स्थानों पर यह कार्य हुआ है, और जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता सक्रिय रहे ये करीब 5,07,000 ऐसे कार्यकर्ता है। करीब 73 लाख लोगों को राशन का वितरण किया गया। करीब 4.5 करोड़ लोगों को फूड पैकेट्स दिए गए। अराउंड 90 लाख मास्क का वितरण हुआ। मोर देन 60,000 ब्लड यूनिट्स का डोनेशन किया गया। जो प्रवासी मजदूर थे, प्रवासी कार्यकर्ता थे, ऐसे करीब 20 लाख लोगों की सहायता की है। घुमंतू जनजाति भी एक स्थान पर नहीं रहती है, तो उनकी भी करीब ऐसे 2.5 लाख लोगों की संघ स्वयंसेवकों ने सहायता की। इसके साथ साथ जो समाज का जो अन्य उपेक्षित वर्ग है, ऐसे सभी वर्गों तक संघ स्वयंसेवक जाकर उन्होंने सहायता की है। केवल संघ नहीं तो समाज के अनेक सामाजिक संस्था, मठ मंदिर गुरुद्वारों द्वारा भी जो समाज के सहायता करने की सक्रियता है, यह केवल भारत की विशेषता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कहा है कि वेलफेयर स्टेट यह भारतीय परंपरा नहीं है। समाज का स्वयं का एक अलग ताना बाना होता है। ये ताना बाना गढ़ने में अनेक पीढ़ियां, अनेक साल लगते हैं, तब ये आपस का ताना बाना समाज का बनता है। और इसके कारण ये समाज इस आपत्ति के समय में अपनी जान खतरे में डालकर भी लोग अपने ही समाज की सहायता करने के लिए अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से खूब सक्रिय हुआ था।